नमस्कार स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू एसेंशियल इलेक्ट्रिकल। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे डिफरेंशियल रिले के बारे में और उसके बाद परसेंटेज डिफरेंशियल रिले भी पढ़ेंगे, ठीक है। सो लेट गेट दिस लेक्चर स्टार्टेड। तो सबसे पहले बात करें व्हाट इज़ द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशियल रिले, उसके पहले समझना पड़ेगा कि भाई डिफरेंशियल रिले प्रोटेक्शन है वो जनरली हम किसके लिए यूज़ करते हैं। सो इट इज़ मेनली यूज्ड फॉर जनरेटर्स, ट्रांसफार्मर्स, फीडर्स, लार्ज मोटर्स एंड बस बार, और उसको हम यूनिट प्रोटेक्शन भी कहते हैं क्योंकि ये सारी चीज़ है जनरेटर के बारे में, ट्रांसफार्मर की बात करें वी विल कंसिडर एज अ यूनिट ओनली, ओके। एंड डिफरेंशियल रिले इज यूज टू प्रोटेक्ट दिस काइंड ऑफ एलिमेंट्स, सो वी कैन ऑल्सो टेल दैट डिफरेंशियल रिले इज नथिंग बट अ यूनिट प्रोटेक्शन सिस्टम, ओके। और यूनिट प्रोटेक्शन को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, तो मैंने आपको बोला था कि भाई एग्जैक्ट प्रोटेक्शन जोन इज डिटरमाइंड बाय द लोकेशन ऑफ योर सीटीज एंड पीटीज, कि भाई आपका जो एलिमेंट टू बी प्रोटेक्टेड है उसके अराउंड हम सीटीज है उसको प्लेस करते हैं, उसके ऊपर से हम उसका जोन डिफाइन करते हैं, ठीक है। सो हमारा जो रिले है वो कब ऑपरेट करेगा, सो इट ऑपरेट्स व्हेन द फेज डिफरेंस बिटवीन द सिमिलर इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज आइदर करंट और वोल्टेज एक्सीड अ प्री डिटरमाइंड वैल्यू, ओके। तो हमारा जो करंट है उसकी वैल्यू या फिर हमारा वोल्टेज है उसकी वैल्यू के बेसिस पर हम आइडेंटिफाई करेंगे कि भाई हमारा डिफरेंशियल रिले है वो ऑपरेट होना चाहिए कि नहीं, ठीक है। मेनली वी आर यूजिंग करंट डिफरेंशियल रिले, बट वोल्टेज डिफरेंशियल रिलेज आर ऑल्सो यूज इन सम केसेस, ओके। सो वी विल गोइंग टू डिस्कस टूडे अबाउट द करंट डिफरेंशियल रिले, ठीक है। नाउ दिस इज द बेसिक डायग्राम ऑफ करंट डिफरेंशियल रिले, वी विल गोइंग टू अंडरस्टैंड, ओके। नाउ जस्ट इग्नोर दिस बॉक्स, इस बॉक्स को थोड़ा सा इग्नोर करेंगे हम। लेट्स से हमारी कोई ट्रांसमिशन लाइन है, यहाँ पर मैंने जनरेटर लिखा है, लेकिन लेट्स से ये हमारी कोई ट्रांसमिशन लाइन है जिसको हमें प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। सो उसके लिए क्या हम करेंगे, उसका जोन डिफाइन करने के लिए एक सीटी हम लगाएंगे यहाँ पर, एक सीटी यहाँ पर लगाएंगे। उसका मतलब क्या हुआ कि दिस विल बी योर जोन ऑफ योर प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है, ओके। अगर उसके अंदर फॉल्ट होगा तो हम बोलते हैं उसको इंटरनल फॉल्ट, उसके बाहर फॉल्ट होगा तो हम उसको बोलते हैं एक्सटर्नल फॉल्ट, और थ्रू फॉल्ट भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये से हमारा यह सी टी वन है जिसमें से जो करंट फ्लो हो रहा है वो है आई वन, ठीक है। यहाँ जो सी टी टू है उसमें से जो करंट फ्लो हो रहा है लेट से दिस इज आई टू, और ये हमारी जो ट्रांसमिशन लाइन है उसको हमें प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। ये सारी चीज़ को अभी नेग्लेक्ट करो, यहाँ पर कुछ नहीं है, ओके। अब हम इस सी टी वन के अंदर जो करंट फ्लो होगा उसको हम बोलेंगे आई वन, और यहाँ से जो करंट फ्लो हो रहा है वो है आई टू, ठीक है। ये दोनों करंट की डायरेक्शन है वो सेम है, क्योंकि हम इस सी टी को ऐसे कनेक्ट करते हैं क्या कि हमारा जो करंट आई वन और करंट आई टू है उसकी डायरेक्शन भी सेम हो, उसकी फेज डिस्प्लेसमेंट भी सेम हो, और वो उसका जो मैग्नीट्यूड है वो भी सेम होगा, ठीक है। सो उसको हम पायलट वायर की मदद से ज्वाइन करते हैं, यहाँ पर जो है उसको हम बोलते हैं पायलट वायर्स, ठीक है। सो वी आर कनेक्टिंग सी टी वन एंड सी टी टू इन सच अ वे दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट एंड दिस करंट विल बी सेम, सो वी आर ज्वाइनिंग योर सी टी वन एंड सी टी टू विद द हेल्प ऑफ दिस पायलट वायर्स, ओके। नाउ इसको थोड़ा सा इग्नोर करेंगे तो हमें पता चलेगा यहाँ से अब करंट फ्लो करेगा वो क्या होगा आई वन, यहाँ से करेगा वो होगा आई वन, यहाँ पर आई टू, यहाँ फिर से आई टू, ठीक है, और यहाँ पर फिर से I1, सो माय I1 इज इक्वल टू I2, सो ये पूरे लूप में जो करंट फ्लो करेगा अगर मैं उसको I1 बोलूँ या I2 बोलूँ दोनों सेम चीज़ है क्योंकि करंट की वैल्यू सेम है। सो वी आर कनेक्टिंग सी टी वन एंड सी टी वन सी टी टू इन सच अ वे दैट माय I1 इज इक्वल टू I2, ठीक है। अब हमारा जो रिले है, जो डिफरेंशियल रिले है, उसको हम एकदम मिडल में कनेक्ट करते हैं, जो हमारे पायलट वायर है उसके एकदम मिडल में कनेक्ट करेंगे ताकि हमारा जो करंट है वो डिफरेंस करंट के डिफरेंस की वजह से हमारा रिले है वो ऑपरेट होना चाहिए। वो कैसे ऑपरेट करेगा वो हम समझते हैं, ठीक है। सो हम इसको इक्विपोटेंशियल पॉइंट पर कनेक्ट करते हैं ताकि जो हमारा लेफ्ट साइड का रेजिस्टेंस हो और राइट साइड का रेजिस्टेंस वो सेम हो, उस केस में कोई सर्कुलेटिंग करंट रिले में से फ्लो ना करे, इसीलिए हमें इस रिले को मिडल पॉइंट पर कनेक्ट करना पड़ेगा, और इन शॉर्ट वी कैन से इक्विपोटेंशियल पॉइंट पर कनेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये इक्विपोटेंशियल पॉइंट पर कनेक्ट करेगा उस केस में इसमें कोई सर्कुलेटिंग करंट फ्लो होगा नहीं, और सर्कुलेटिंग करंट फ्लो नहीं होगा तो हमारा रिले ऑपरेट नहीं होगा, ठीक है। सो इसीलिए हमें इस रिले को कहाँ पर कनेक्ट करना है, इक्विपोटेंशियल पॉइंट पर, ठीक है। सो उस केस में अब करंट की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से जो करंट फ्लो हो रहा है यहाँ पर आई वन,
ठीक है, जो कि I1 यहाँ से फ्लो करेगा इन दिस डायरेक्शन, दिस विल बी I1 एंड दिस विल बी I1 ओनली, ओके। यहाँ से जो I2 करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ से I2 करंट होगा और जब रिले में से होगा तो वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा, ओके। दिस इज I2 एंड दिस इज माई I1, सर I1 एंड I2 इन अपोजिट डायरेक्शन एंड हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड, सो हमारा जो रिले है उसमें से कोई करंट फ्लो करेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि ये हमारे एक भी पोटेंशियल पॉइंट है, सो करंट थ्रू दिस रिले इज जीरो एंड दैट इज वाई माय रिले इज नॉट गोइंग टू ऑपरेट, ओके। सो दिस इज वे आवर डिफरेंशियल रिले इज गोइंग टू वर्क। नाउ द सेकेंड थिंग इज, नाउ लेट्स से इन केस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स व्हाट विल हैपन, ओके। सो इन केस ऑफ एक्सटर्नल फॉल्ट देर विल बी सम फ्लो ऑफ करंट ड्यू टू द इनबैलेंस इन करंट I1 एंड I2 एंड आवर रिले इज गोइंग टू ऑपरेट, ओके। वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस ऑल्सो। नाउ लेट मी जस्ट रिमाइंड यू समथिंग दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन प्रीवियस स्लाइड्स। सो द सेकेंडरीज ऑफ सीटीज आर कनेक्टेड इन सीरीज विद द हेल्प ऑफ पायलट वायर्स इन सच अ वे दैट दे कैरी इंड्यूस्ड करंट इन द सेम डायरेक्शन अंडर नॉर्मल कंडीशन। जैसा हमने यहाँ पर देखा कि भाई नॉर्मल कंडीशन हमारी रहेगी, उस केस में जो करंट है यहाँ पर कोई फ्लो नहीं करेगा, हमारा जो I1 एंड I2 है वो सेम डायरेक्शन में फ्लो करेगा। बट इन केस ऑफ एनी फॉल्ट इन अ पावर सिस्टम, जैसे कोई एक्सटर्नल फॉल्ट हो रहा है, ठीक है, कोई एक्सटर्नल फॉल्ट हो रहा है, उस केस में हमारे जो करंट की वैल्यू होगी यहाँ पर वो डिफर करेगी। यहाँ पर कोई डबली फीड हमारी सिस्टम होगी तो उस केस में हमारे करंट की डायरेक्शन अपोजिट भी हो सकती है, ठीक है, उसको भी हम कंसिडर करेंगे। लेट से कोई इंटरनल फॉल्ट हो रहा है, उस केस में क्या करेगा, इंटरनल फॉल्ट के केस में आइदर हमारे I2 की वैल्यू जीरो होगी या फिर यहाँ पर फॉल्ट होने, लेट से यहाँ पर कोई फॉल्ट हो रहा है इंटरनल, उस केस में I2 की वैल्यू या तो जीरो होगी या तो I1 से कम होगी, लेस देन I1, ठीक है, तो उस केस में हमारा रिले है वो ऑपरेट होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लेट से I1 और I2 के बीच में जो डिफरेंस होगा उसकी वजह से यहाँ पर सर्कुलेटिंग करंट होगा और हमारा रिले ऑपरेट होगा। अगर I2 जीरो है उस केस में I1 फ्लो करेगा यहाँ से और हमारा रिले ऑपरेट होगा, ठीक है, सो उस केस में हमारा डिफरेंशियल रिले है वो ऑपरेट होगा। नाउ द ऑपरेटिंग कॉइल ऑफ ओवर करंट रिले इज कनेक्टेड अक्रॉस इक्विपोटेंशियल पॉइंट, जैसे मैंने आपको बताया, सो द करंट थ्रू द रिले इज जीरो अंडर नॉर्मल वर्किंग कंडीशन, ठीक है, नॉर्मल वर्किंग कंडीशन में कोई करंट फ्लो करेगा नहीं। नाउ लेट से कोई एक्सटर्नल फॉल्ट हो रहा है, उस केस में I1 is equal to I2, hence I1 is equal to I2, I mean I1 is equal to the capital I1 is right here, okay, and the small I1 will going to be the current through the CT. So the current through the relay is equal to zero and relay will not going to operate. Okay, in this case of a external fault. Okay, now we have to consider the इंटरनल फॉल्ट कंडीशन कि भाई जब हमारा इंटरनल फॉल्ट होगा उस केस में हमारा रिले ऑपरेट होना चाहिए। एक्सटर्नल फॉल्ट होगा उस केस में तो ऑब्वियसली आउट ऑफ जोन है तो हमारा रिले ऑपरेट होना चाहिए नहीं। अगर हमारा रिले ऑपरेट होता है तो हम उसको बोलते हैं थ्रू फॉल्ट, ओके, तो उस केस में हमारा रिले ऑपरेट नहीं होना चाहिए। इंटरनल फॉल्ट के केस में होना चाहिए, तो क्या रहेगा, कैसे करेगा। इंटरनल फॉल्ट के केस में लेट से हमारा करंट है यहाँ पर I1 है, ठीक है, और मैंने बोला है कि भाई डबली फेड हमारी सिस्टम हो सकती है, तो उस केस में आपके जो करंट की डायरेक्शन है वो अपोजिट हो सकती है, ठीक है। लेट्स से दिस इज डबली फेड सिस्टम और हमारे करंट की डायरेक्शन है वो अपोजिट है, सो दिस डायरेक्शन में I2 फ्लो कर रहा है, यहाँ पर I1 फ्लो कर रहा है, सो उस केस में हमारा रिले थ्रू करंट क्या होगा, अब I1 प्लस I2, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अब सेम है, ओके। सो दिस विल बी योर I1, दिस विल बी योर I2, और दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो करंट थ्रू रिले इट इज गोइंग टू बी I1 प्लस I2, और उस केस में हमारा रिले ऑपरेट होगा, ठीक है। सो इन दैट वे हमारे जो डिफरेंशियल रिले है वो वर्क करेगा। सो ड्यू टू इंटरनल फॉल्ट्स नाउ I1 इज नॉट इक्वल टू I2, सो करंट थ्रू दिस आई मीन द रिले इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड हेड्स द करंट थ्रू द रिले इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड If the relay current is equal to pickup value, okay, what is pickup value? कि minimum amount of current के उसके बाद हमारा relay operate होना चाहिए, ठीक है, so उस case में हमारा relay operate होगा। Let's say हमारी ये system है डबली फेड सिस्टम नहीं है, ठीक है, उस case में हमारे I2 की value है वो दिस डायरेक्शन में फ्लो होगी, I2 है हमारा अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा, तो आप इसको भूल जाइए, लेट मी जस्ट रिमूव दिस, ओके, लेट मी जस्ट रिमूव दिस। सो हमारे I2 करंट की डायरेक्शन भी अब क्या है, I2 करंट की डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में है, लेकिन मैंने आपको बोला था जब फॉल्ट होगा इंटरनल फॉल्ट तब I2 की वैल्यू या तो जीरो होगी या तो वो I2 की वैल्यू है वो लेस देन I1 होगी, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, अब यहाँ से I1 करंट फ्लो करेगा, यहाँ से I2 करंट फ्लो करेगा, ठीक है, ये हो गया I1,
ये हो गया आई टू। अगर आई वन की वैल्यू आई टू से ज़्यादा है उस केस में यहाँ से सर्कुलेटिंग करंट फ्लो करेगा, हमारा रिले ऑपरेट हो जाएगा, ठीक है। अगर आई टू की वैल्यू जीरो है तो आई वन तो फ्लो करने ही वाला है, उस केस में हमारा रिले है वो ऑपरेट हो जाएगा। तो किसी भी केस में हमारा इंटरनल फॉल्ट होने के बाद हमारा डिफरेंशियल रिले है वो ऑपरेट करेगा। लेकिन बहुत सारी चीज़ है, डिफ़िकल्टीज़ है जिसको हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, विच इज़ एसोसिएटेड विद डिफरेंशियल रिले, कि कई बार वो ऑपरेट होता है जबकि हमारा ऑपरेट होना चाहिए नहीं। किस केस में? दैट इज़ द डिफरेंट इन द लेंथ ऑफ पायलट वायर। ओके, कि भाई हमारे पायलट वायर है, क्योंकि हम लेट से ये ट्रांसमिशन लाइन है कोई जिसका हमें प्रोटेक्शन करना है, ठीक है, कोई ट्रांसमिशन लाइन का हमें प्रोटेक्शन करना है। उस केस में हमने यहाँ पर हमारा है सी टी वन, यहाँ पर है सी टी टू। ओके, लेट मी जस्ट राइट, सी टी वन इज हियर, सी टी टू इज हियर। उसको हमने इस तरीके से कनेक्ट किया है ताकि भाई जो हमारा करंट आई वन एंड करंट आई टू है वो सेम होगा, ठीक है। सो नाउ माय करंट आई वन एंड करंट आई टू इज सेम। ओके, और हमने क्या बोला था कि भाई इक्विपोटेंशियल पॉइंट है वहाँ पर हम अपना रिले है उसको कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा रिले है उसको हम इक्विपोटेंशियल पॉइंट पर कनेक्ट करेंगे, लेकिन हमारे ये जो पाइवट वायर है उसकी लेंथ बहुत ज़्यादा होगी क्योंकि हम ट्रांसमिशन लाइन के लिए उसको यूज़ कर रहे हैं। सो ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ तो इन किलोमीटर्स होती है, तो उस पर हमें इक्विपोटेंशियल फाइंड करना, दैट इज़ अ बिग टास्क। ओके, दैट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, तो उसको हम अचीव नहीं कर सकते क्योंकि हमारी जो डिफरेंस है विद इन द लेंथ ऑफ द अवर पायलट वायर। सो हम क्या कर सकते हैं, तो उसको हम फाइंड सॉल्व रिजॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जस्ट अ सेकेंड, उसको हम रिजोल्व करने के लिए सबसे पहले मैं उसको ये ड्रॉ कर दूँ। ओके, उसको हम कैसे रिजोल्व कर सकते हैं, वी कैन कनेक्ट एडजस्टेबल रेजिस्टेंस इन सीरीज विद अवर पायलट वायर। ओके, वी कैन कनेक्ट एडजस्टेबल रेजिस्टर। ओके, सो लेट्स से दिस इज आर वन एंड दिस इज आर टू। सो वी कैन नॉट मेक, वी कैन नॉट कनेक्ट अवर रिले एट इक्विपोटेंशियल पॉइंट, बट हमारा लेफ्ट साइड और राइट साइड का रेजिस्टेंस को हम सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, एडजस्टेबल रेजिस्टर लगाएंगे ताकि हमारे करंट आई वन और आई टू की वैल्यू है वो सेम रहे और ये पॉइंट है वो इक्विपोटेंशियल पॉइंट बन जाए, ठीक है। सो आई वन, आर वन और आर टू को हम उस टाइप के एडजस्टेबल रेजिस्टर की मदद से एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट डिफिकल्टी और उसको हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। सेकंड डिफिकल्टी इज ऑफ द सी टी रेशियो, कि भाई हमारा सी टी वन है और सी टी टू है, दोनों की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इट इज़ नॉट गोइंग टू बी ऑलवेज मैचिंग। ओके, एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट इन प्रैक्टिस ड्यू टू द डिफरेंट इन मैग्नेटिक सर्किट एंड सेचुरेशन। कई बार ऐसा हो सकता है कि भाई आपका सी टी टू है वो पहले सेचुरेट हो जाए सी टी टू वन से। ओके, तो उस केस में सर्कुलेटिंग करंट रिले में से फ्लो करेगा और आपका जो डिफरेंशियल रिले है वो ऑपरेट होगा। ओके, सो दिट विल गोइंग टू बी डू द माल फंक्शनिंग ऑफ अवर रिले एंड दिट कैन बी ओवरकम बाई द हेल्प ऑफ द परसेंटेज डिफरेंशियल रिले। ओके, सो दिस इज द बिग प्रॉब्लम इन डिफरेंशियल प्रोटेक्शन एंड दैट कैन बी अचीव्ड बाई द percentage differential relay, and that is why the percent differential relay or we can say biased differential relay came into the picture. Okay, and this is going to be the most extensively used form of differential relay jisko hum samajhne wale hain. ओके, सो परसेंटेज डिफरेंशियल रिले हम क्यों यूज़ करते हैं, उसका आपको पता चल गया होगा कि भाई हमारा सी टी रेशियो है उसका सेचुरेशन अलग अलग सी टी का अलग अलग हो जाता है, तो उसको हम परसेंटेज डिफरेंशियल रिले की मदद से उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। कैसे, वो हम अब देखेंगे, ठीक है। तो नाउ लेट्स से दिस इज़ द बेसिक स्केमेटिक डायग्राम ऑफ आवर परसेंटेज डिफरेंशियल रिले। यहाँ पर हमारा है सी टी वन, यहाँ पर सी टी टू, दिस इज द प्रोटेक्टिव सिस्टम दैट वी आर गोइंग टू प्रोटेक्ट। ओके, यहाँ पर आप देखेंगे तो भाई हमारा जो मिड पॉइंट है, इक्विपोटेंशियल पॉइंट है, वहाँ से हमने कनेक्ट किया है हमारी ऑपरेटिंग कॉइल को, यानी कि हमारी ऑपरेटिंग कॉइल है यहाँ पर, उसका जो एक एंड है वो हमारे रिस्ट्रेनिंग कॉइल है उसके मिडल में जा रहा है, और हमारी जो रिस्ट्रेनिंग कॉइल है उसका एक पॉइंट है वो सी टी वन पे जा रहा है और दूसरा जो पॉइंट है वो जा रहा है सी टी टू पे, ठीक है। इसको हम अगर इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करें तो हम यहाँ पर इक्विवेलेंट सर्किट इसकी ड्रॉ करें तो ये हो गया हमारा इक्विपमेंट टू बी प्रोटेक्टेड, ठीक है। यहाँ पर आएगा हमारा सी टी वन, यहाँ पर आएगा सी टी टू। ओके, दिस इज सी टी वन, दिस इज सी टी टू, ठीक है। इसको हम जोड़ेंगे इस तरीके से, दैट इज़ माई आई वन एंड आई टू आर इक्वल। नाउ आपको ध्यान रखना पड़ेगा ये आई वन और आई टू है वो फेजर है, ठीक है। सो मैग्नीट्यूड एंड फेज एंगल बोथ शुड बी इक्वल।
और यहाँ पर हम जोड़ेंगे, यहाँ पर जो मिडल पॉइंट है इक्विपोटेंशियल पॉइंट, वहाँ पर हम ऑपरेटिंग कॉइल को कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ऑपरेटिंग कॉइल का एक एंड है वो इक्विपोटेंशियल पॉइंट पर है और दूसरा एंड है वो रिस्ट्रेनिंग कॉइल पर है। ठीक है, सो ये हो गई हमारी रिस्ट्रेनिंग कॉइल, तो ये हो गई ऑपरेटिंग कॉइल, ये हो गई रिस्ट्रेनिंग कॉइल। सो हमारी जो रिस्ट्रेनिंग कॉइल है उसका एक एंड है वो CT1 के साथ कनेक्टेड है, CT1 के साथ कनेक्टेड है, और दूसरा एंड है वो CT2 के साथ कनेक्टेड है। ओके, जस्ट अ सेकेंड, वो CT2 के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, तो इस तरीके का हमारा जो इक्विवेलेंट डायग्राम होगा परसेंटेज डिफरेंशियल रिले का वो बनेगा। ये हमारा हो गया ऑपरेटिंग कॉइल, ये हो गया रिस्ट्रेनिंग कॉइल। हमारा हमें पता है ऑपरेटिंग कॉइल विल प्रोड्यूस द ऑपरेटिंग टॉर्क एंड रिस्ट्रेनिंग कॉइल विल प्रोड्यूस द रिस्ट्रेनिंग टॉर्क। ठीक है, यहाँ पर हमें बेस लगाया है, जब हमें पता है कि भाई हमारे जो ऑपरेटिंग कॉइल है उसमें फोर्स ज़्यादा होगा, टॉर्क ज़्यादा होगा, उस केस में हमारा जो ये है वो इस टाइप मूव करेगा और हमारा जो रिले है वो क्लोज हो जाएगा, ट्रिप सर्किट है वो ऑपरेट हो जाएगी। ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ बायस्ड और परसेंटेज डिफरेंशियल रिले। ठीक है, इसको हम अच्छी तरीके से ड्रॉ करें तो ये कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, तो हमारे यहाँ कहाँ पर करंट क्या है, I1। ठीक है, करंट I2 की वैल्यू I2। ठीक है, सो इन नॉर्मल केस बात करें, जब हमारा कोई एक्सटर्नल फॉल्ट होता है, यहाँ पर देखा है एक्सटर्नल फॉल्ट बाहर होगा, अंदर नहीं होगा। ठीक है, एक्सटर्नल फॉल्ट होगा उस केस में करंट की वैल्यू होगी I1, दिस इज गोइंग टू बी I2। उस केस में ऑपरेटिंग कॉइल में से कौन सा करंट फ्लो करेगा? ओके, तो अब दोनों की जो I1 की डायरेक्शन है वो ये है, डाउनवर्ड डायरेक्शन, I2 विल बी इन द अपवर्ड डायरेक्शन, सो दिस विल बी I1, द अपोजिट विल बी माइनस, सो दैट विल टोटल करंट विल बी I1 - I2। सो हमारी ऑपरेटिंग कॉइल है उसमें से क्या करंट फ्लो करेगा, I1 - I2। और जो रिस्ट्रेनिंग कॉइल है तो यहाँ से करंट फ्लो करेगा इस हाफ में से, वो क्या होगा I1, और दूसरे हाफ में से करेगा उसको हम बोलेंगे I2। ओके, सो अगर MMF की बात करें, MMF ऑफ ऑपरेटिंग कॉइल, सो MMF इज नथिंग बट द नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाई बाय द करंट। ओके, सो नंबर ऑफ टर्न्स इन ऑपरेटिंग कॉइल इज N0। ओके, और जो करंट फ्लो कर रहा है वो है I1 - I2। और अगर हम रिस्ट्रेनिंग कॉइल की बात करें, सो नंबर ऑफ टर्न विल बी, सो इन दिस हाफ दिस विल गोइंग टू बी N/2 I1। ओके, प्लस इन दिस हाफ इट इज गोइंग टू बी N/2 I2। ओके, सो N/2 को हम कॉमन निकालेंगे तो बनेगा N/2 I1 + I2। सो दिस विल गोइंग टू बी द MMF और ऑपरेटिंग कॉल एज वेल एज MMF ऑफ रिस्ट्रेनिंग कॉल। हमें पता है जब हमारी ऑपरेटिंग कॉल है उसमें जब टॉर्क ज़्यादा रहेगा उस केस में, विथ कंपेयर टू रिस्ट्रेनिंग कॉल, हमारा रिले है वो ऑपरेट करेगा। ठीक है, सो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी। अब हमें कंसिडर करना पड़ेगा तीन कंडीशन को, लेट मी जस्ट इरेज ऑल दिस थिंग्स एंड देन वी विल कंसिडर ऑल दिस थ्री थिंग्स। ओके, नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द ऑपरेशन ऑफ डिफरेंशियल रिले। ओके, नाउ लेट अस से इन केस ऑफ एक्सटर्नल फोल्ट के, अगर हम एक्सटर्नल फोल्ट को कंसिडर करें तो एक्सटर्नल फोल्ट के केस में क्या होगा, जो हमारा मेन डिसएडवांटेज है डिफरेंशियल रिले का, कि भाई हमारा CT1 है और CT2 है, दोनों का सेचुरेशन है वो अलग अलग टाइम पे होगा, उस केस में देर इज अ डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ I1 and I2। नाउ लेट्स से ये हो रहा है और हमारे I1 और I2 के बीच में डिफरेंस हो रहा है, उस केस में हमारे I1 - I2 की वैल्यू कुछ रहेगी, लेकिन हमें पता है उस केस में I1 + I2, यहाँ पर हम I1 और I2 को ऐड कर रहे हैं, उस केस में हमारे ये रिस्ट्रेनिंग फोर्स की वैल्यू है वो ज़्यादा रहेगी, बिकॉज हमारा रिस्ट्रेनिंग फोर्स इज गोइंग टू प्रोपोर्शनल विद करंट I1 + I2। ओके, सो देर इज अ चेंज इन करंट I2 ऑन चेंज इन द करंट और द डिफरेंस इन द करंट, सो I1 की वैल्यू ज़्यादा हो सकती है और I2 की वैल्यू ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, दोनों का सिचुएशन अलग अलग है तो उसका मतलब कुछ भी हो सकता है, कि भाई I1 भी ज़्यादा हो सकता है, I2 भी ज़्यादा हो सकता है। सो अगर हमारी रिस्ट्रेनिंग कॉइल नहीं होती उस केस में हमारा रिले ऑपरेट होगा। अब रिस्ट्रेनिंग कॉइल है, उसका जो फोर्स है इट इज गोइंग टू बी प्रोपोर्शनल विद I1 + I2। ठीक है, सो यहाँ पर से जो वैल्यू मिलेगी उससे ये वैल्यू ज़्यादा रहेगी, उस केस में हमारा जो रिले है वो ऑपरेट नहीं होगा, क्योंकि हमारा रिस्ट्रेनिंग फोर्स है वो ज़्यादा है। रिस्ट्रेनिंग फोर्स यानी कि हमारा जो रिले है वो ऑपरेट होने के लिए ऑपरेटिंग फोर्स हो जाना चाहिए। ठीक है, और हमारा जो रिस्ट्रेनिंग कॉइल है उसको अपोज करेगा हमारे ऑपरेटिंग फोर्स को। ठीक है, तो जब ऑपरेटिंग फोर्स ज़्यादा होगा हमारा रिले ऑपरेट नहीं होगा, जब हमारा ऑपरेटिंग फोर्स ज़्यादा होगा हमारा रिले ऑपरेट हो जाएगा। ठीक है, तो सब जब एक्सटर्नल केस है उस केस में रिले ऑपरेट नहीं होगा। तो ये जो बड़ी डिफिकल्टी थी
वो हमारी रेस्टरिंग कॉल की मदद से, आई मीन द परसेंटेज डिफरेंशियल रिले की मदद से वो सॉल्व हो गई, ठीक है। अब लेट से कोई इंटरनल फॉल्ट होता है, उस केस में क्या होगा? सो मैंने बताया था इंटरनल फॉल्ट के केस में क्या होगा, या तो हमारे जो सी टी में से जो करंट आई टू फ्लो रहा है, ठीक है, उसकी वैल्यू कम होगी, आई मीन आई वन से कम होगी। और दूसरी चीज़ क्या हो सकती है, यहाँ से जो सी टी टू में से जो करंट फ्लो हो रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात करें, लेट से ये डबली फेड सिस्टम है, उस केस में अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो जब अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, यहाँ पर वैल्यू क्या होगी, आई वन प्लस आई टू होगी, ऑब्वियसली यहाँ पर जो करंट है आई वन दिस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, सो दैट विल बी आई वन प्लस आई टू, और यहाँ से जो करंट होगा दैट विल बी आई वन माइनस आई टू, ऑब्वियसली बिकॉज यहाँ पर करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, अप कर रहा है, तो आई वन माइनस आई टू होगा, ऑपरेटिंग कॉइल में से होगा आई वन प्लस आई टू। सो ऑब्वियसली द वैल्यू ऑफ आई वन प्लस आई टू विल बी हायर देन आई वन माइनस आई टू, सो उस केस में हमारा रिले ऑपरेट होगा। तो ये बात कर ली हमने पहले केस के बारे में, जब डबली फेड सिस्टम होगी और डायरेक्शन ऑफ करंट होगा अपोजिट डायरेक्शन में। द सेकेंड केस में कि जब हमारा जो जो करंट है वो सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो उस केस में क्या हो सकता है, हमारे जो I2 करंट की वैल्यू है वो कम होगी विथ रिस्पेक्ट टू I1, ठीक है। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल कि भाई I1 की वैल्यू है वो 100 एम्पियर्स है, I2 की वैल्यू है वो 1 एम्पियर है, ओके। सो I1 माइनस I2, ओके, सो I1 माइनस I2 क्या होगा हमारा, 100 प्लस 100 माइनस 1 दैट इज गोइंग टू बी 99। और अगर हम बात करें I1 प्लस I2 के बारे में, सो दैट विल गोइंग टू बी 100 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, सो 100 प्लस 1 विल बी 101 डिवाइडेड बाय 2 इज गोइंग टू 55। सो माय ऑपरेटिंग टॉर्क इज ग्रेटर देन द रिस्ट्रेनिंग टॉर्क, इन दैट केस माय रिले विल गोइंग टू बी वर्क, ओके। सो दिस इज गोइंग टू बी द बोथ केस ऑफ हैविंग द इंटरनल फॉल्ट एंड हैविंग द एक्सटर्नल फॉल्ट, कि जिसमें हमारा जो बायस्ड और परसेंटेज डिफरेंशियल रिले है वो वर्क करेगा, ठीक है। इसकी अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करें, सो एवरेज रिस्ट्रेनिंग करंट क्या होगा हमारा, जो कि हमारी ऑपरेटिंग का आई मीन जो रिस्ट्रेनिंग कॉइल है उसमें जो करंट फ्लो करेगा आई वन प्लस आई टू बाई टू, और जो डिफरेंशियल ऑपरेटिंग करंट है उसके बीच में हम ग्राफ ड्रॉ करें, सो इनिशियल केस में जब हमारा जो ऑपरेटिंग टॉर्क है दैट इज गोइंग टू बी वर्क विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग, ओके, आई मीन द रिस्ट्रेनिंग टॉर्क विल गोइंग टू बी द ड्यू टू द स्प्रिंग, सो इट ऑल्सो कॉल्ड एज इफेक्ट ऑफ स्प्रिंग। उसके बाद में दिस कैरेक्टरिस्टिक्स इज राइजिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। सो दिस विल गोइंग टू बी द नेगेटिव टॉर्क रीजन, जब हमारा रिले है वो ऑपरेट नहीं करेगा, दिस विल गोइंग टू बी द पॉजिटिव टॉर्क रीजन, जब हमारा रिले ऑपरेट करेगा, ठीक है। सो जब हमारे करंट की वैल्यू ज्यादा रहेगी उस केस में आप देख सकते हैं हमारे दिस विल गोइंग टू बी द आइडियल केस, ओके, बट ड्यू टू द स्प्रिंग देर विल बी सम रिस्ट्रेनिंग टॉर्क एट द इनिशियल पॉइंट, ओके। सो यहाँ पर मैंने बताया नहीं कि लेकिन यहाँ पर एक स्प्रिंग कनेक्ट होगी, ओके, दिस विल गोइंग टू बी द वेरी नेग्लेजिबल इफेक्ट ऑफ द रिस्ट्रेनिंग टॉर्क, ओके। मेजर इफेक्ट विल बी ऑफ रिस्ट्रेनिंग कॉल ओनली, लेकिन यहाँ पर स्प्रिंग होगी जिसकी मदद से भी हम रिस्ट्रेनिंग का फोर्स है उसको अप्लाई करेंगे, सो इट इज नोन एज द इफेक्ट ऑफ स्प्रिंग, एंड आफ्टर द ग्राफ विल बी ऑफ increasing characteristics, okay. So from the operating characteristics it can be observed that the except of control spring at the low current, the ratio of differential operating current to the average restraining current is fixed percentage. तो आप देख सकते हैं जो हमारा जो operating current है और उसके साथ में जो restraining current है उसका जो ratio है which is going to be fixed, and this can be achieved by the changing the number of turns in a CT, okay. So that is why it is known as a परसेंटेज और द बायस डिफरेंशियल रिले, ठीक है। सो इस तरीके से हमारी जो सी टी रेशियो की डिफिकल्टी है उसको हम ओवरकम कर सकते हैं, ओके। सो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द फंक्शन एंड वर्किंग ऑफ डिफरेंशियल रिले, व्हाट आर द डिफिकल्टीज दैट इज बीन एसोसिएटेड विद डिफरेंशियल रिले, एंड हाउ वी कैन ओवरकम दिस काइंड ऑफ डिफिकल्टीज विद द हेल्प ऑफ परसेंटेज डिफरेंशियल रिले, बिकॉज दिस विल गोइंग टू बी द मेनली यूज इन केस ऑफ पावर सिस्टम इन एनी काइंड ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर, जनरेटर, एंड अ फीडर, एंड अ बस बार, ओके। सो आई होप यू गेट एवरीथिंग दैट वी हैव डिस्कस्ड इन टुडेस लेक्चर। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉन्टैक्ट मी, यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेस लेक्चर, वी विल गोइंग टू बी मीट इन अवर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच, सी यू गाइस इन माई नेक्स्ट लेक्चर।